नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हम सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत राजदाहा ग्राम पंचायत के रेहदा शिव मंदिर में आए हुए हैं। रेहदा शिव मंदिर का जो शिवलिंग है बहुत भव्य, बहुत अच्छा देखने को मिला है। यहाँ रेहदा ग्राम पंचायत के कई लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं इस मंदिर और शिवलिंग के महिमा के बारे में, इनका क्या कहना होता है। चाचा आपका नाम क्या है? इसी गांव के रहने वाले हैं। चाचा यहाँ का ये जो मंदिर है रेहदा का, ये जो मंदिर है और यहाँ जो शिवलिंग है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? अब इसके बारे में हमें जब से जाने लाए भरन तब से मान ली कि इनका शंकर जी की मड़ई रही, चार छपावा पांच जोड़ा रहा, आउ पावा मतलब हर साल मड़ई पहले इनका छवात रहा, छाई लेन तब आदमी अपन काम कर रहा, एकरे अलावा फिर मंदिर बना। अब शंकर जी पहले से नंद जी हन का जन घराना रहा तो हाथी लेकर आए रहे, तो ये सब चहली वहली फोड़ कर उखाड़ कर ले जाए सोचे नपने हिया, पर वो नहेगा टेढ़ भई गए। अच्छा, और जो टेढ़ भई गए हमारे मड़ई छाव जाए तब एक दिन आई भाई के आज शंकर जी की सोच की है, तो सियान लोग रहे तो कहे नहीं ऐसा ना हुई जैसा ना वैसा रह गए, फिर हम कहा नहीं ना हो आज सोच हो चाहे खुशी रहें चाहे नाराज हो, फिर एक नरियर आन के फिर मन वो नरियर खोज के फिर शंकर जी की चाहे लाग के मन इसे सोच के ये सोच। अच्छा अच्छा, देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये बहुत पुराना मंदिर है और ये जो शिवलिंग है बहुत पुराना है। इनके द्वारा एक बात बताई गई कि कुछ लोगों द्वारा जो है इस शिवलिंग को हाथी के द्वारा जो है उखड़वाया जा रहा था, लेकिन इनका महिमा इतनी बड़ी है कि उस हाथी भी जो है इस शिवलिंग को नहीं उखाड़ पाई, बल्कि शिवलिंग इनके द्वारा बताया गया कि टेढ़ा हो गया। और इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि जब हम लोग आए और मड़ई में वो रहा करते थे, मड़ई को छाने आए, जब छाने आए तो देखे शिवलिंग टेढ़ा था। शिवलिंग को सीधा करने का इन्होंने, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग ठान लिए कि शिवलिंग को सीधा करेंगे चाहे भले ही शंकर भगवान नाराज हो जाएं। लेकिन जो वहाँ के वृद्ध बुजुर्ग थे उनके द्वारा कहा गया कि एक नारियल रखा जाए और नारियल रख के जो है इनको सीधा किया जाए, हो सके ये सीधा हो जाए। तो आप सोच सकते हैं जिस शिवलिंग को हाथी के द्वारा नहीं उखाड़ा जा सका, उस शिवलिंग को एक नारियल रख के और आदमी लोग जो है उनको सीधा कर दिया, इनकी महिमा कितनी प्रतापी है। आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे, ये यहाँ से क्या चाहता है, आपका क्या कहना होगा? यहाँ से जा नहीं सकते हैं, ये जाना नहीं चाह रहे थे जिसके वजह से हाथी भी नहीं उखाड़ पाई यहाँ। और हमारे साथ और कुछ लोग बने हुए हैं, आइए आगे की जानकारी हम इनसे लेते हैं कि इस मंदिर के बारे में ये क्या कुछ कहेंगे। इस मंदिर पर यहाँ बहुत महान महिमा है, बसंत का लगभग 15 दिन मेला लगता है, 15 दिन बदले 20 दिन रह जाता है, पर एक महीना रह जाता है, और बड़े धूमधाम से यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है। लोग देश मतलब कई दूर दूर दराज के यहाँ आते हैं, कहें मानस कीर्तन होती रहती है बराबर, और यहाँ कुछ ग्रामीण जनता लोग भी बराबर पूजा पाठ अपन जरूर अपना करते रहते हैं। इस प्रकार से मतलब इनकी महत्व देखने में मिलती है, काफी मतलब बड़ी है, और हर प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है, अन्य मंदिरों का भी अन्य देवी देवताओं। अच्छा, यहाँ जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है, हम देख रहे हैं कई मंदिर यहाँ छोटी बड़ी दिख रही हैं, इन मंदिर के निर्माण में किसकी अहम भूमिका है, किसके द्वारा ये जो है बनाया जा रहा है? हमारे साथ चाचा बने हुए हैं, आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। देखिए एक बात ऐसा भय कि ये जो सियान लोग रहे हमारे का, फिर चर्चा बनाए जैसा किया जाए कि मंदिर बनावा जाए, तो मंदिर बनावा जाए तो डॉक्टर महेंद्र से कहा गया कैसा करी कि अपना हमारे कहीं मंदिर बनवा दी, मतलब उतना दिन मड़ई में रहे, मड़ई से नहा ठीक बाकी साल छावे थी बन जाए, फिर उन कहन कैसा करे कि तू लोग सबके जगह जैसा घर बात है तैसा 1,055 से पाथर यहाँ जमा कर, यहाँ जमा तो मुझे कह देव तो हम मतलब मिस्त्री धागे के जोड़वा। अच्छा अच्छा, तो ये सब के मन पथरा जोड़े पथरा ढोए के फिर मतलब पर साधन सुविधा कुछ रहा नहीं, यहाँ बघमनवा जौन बातचीत रहेंगी वहाँ से मनई कान्हे पर चूना आन के फिर चूना सुरखी से फिर मंदिर झगड़ रहा है पुजारी 500 रुपया और 5 फरसा एक नहीं खोली। अच्छा अच्छा, देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस मंदिर निर्माण के लिए गांव वालों का भी काफी सहयोग रहा है, और इसके लिए जो मुख्य व्यवस्थापक जिसको आप कहेंगे, जिनका सोच रहा कि जो है यहाँ जो शंकर भगवान की मूर्ति मंदिर बने, वो डॉक्टर महेंद्र द्विवेदी थे,
डॉक्टर महेंद्र द्विवेदी द्वारा ग्रामीणों से जो है मिलकर ये कहा गया कि एक मंदिर का निर्माण कराया जाए कुछ चंदा लगा के, तो ग्रामीणों द्वारा जो है पत्थर चूना सीमेंट का व्यवस्था किया गया और महेंद्र द्विवेदी द्वारा जो डॉक्टर महेंद्र द्विवेदी द्वारा जो है मंदिर का निर्माण कराया गया है। और अभी लोगों द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ का व्यवस्थापक भी वही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आपको जो है शिवलिंग की ओर चलते हैं और शिवलिंग दिखाना चाहेंगे कि ये शिवलिंग किस तरह का है, जबकि बहुत खूबसूरत मंदिर है। और अभी बताया गया कि बसंत पंचमी पर एक माह का मेला लगता है, यहाँ एक माह का जो है मेला लगता है, बहुत भव्य मेला लगता है, उस समय भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। हम कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि शिवलिंग की ओर कैमरा को घुमाएं और जूम करके दर्शकों को दिखाएं, जूम करके शिवलिंग को जो है दर्शकों को दिखाएं कि ये रहदा शिव मंदिर का जो है शिवलिंग है, कितना सुंदर कितना खूबसूरत शिवलिंग है, काफी घंटे भी बधे हुए हैं और जो है अच्छा चहली बनी हुई है, यहाँ लग रहा है कई लोग पूजा करके जा चुके हैं, ऐसा भी देखने में जो है नजर आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कई मंदिरें यहाँ पे हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको और मंदिरों का दर्शन कराते हैं कि यहाँ किन किन भगवानों का जो है स्थापना कराई गई है। ये शिव मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। आप यहाँ देख सकते हैं अभी मूर्ति का निर्माण, कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करेंगे मूर्ति की तरफ कैमरा को घुमाकर दर्शकों को दिखाएंगे। और आगे बढ़ते हुए मुझे यज्ञशाला के रूप में दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो यहाँ भजन कीर्तन हुआ करती है। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करें उधर भी कैमरा घुमाकर दर्शकों को दिखाते चलें कि यहाँ भजन कीर्तन किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी मूर्ति स्थापित है, नंदी बाबा सामने खड़े हैं पीपल के पेड़ के नीचे, कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करेंगे उस मूर्ति की ओर कैमरा को जूम करके दर्शकों को दिखाएं और आगे बढ़ते हैं। और आगे मुझे मंदिर दिख रही है, उस मंदिर की ओर बढ़ते हैं, उस मंदिर में किस भगवान का स्थापना किया गया है। ये सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के रजदाह ग्राम पंचायत के रेहदा शिव मंदिर का दृश्य है, बहुत ही सुंदर ये दृश्य। देखिए यहाँ माँ शारदा मैया वाली शारदा मैया यहाँ विराजमान है। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि मूर्ति की ओर कैमरा को जूम करके दर्शकों को दिखाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शारदा मैया का मूर्ति स्थापित है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी कई ऐसे जगह हमको दिख रहे हैं जहाँ मूर्तियां होंगी। आइए हम उधर भी बढ़ते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किन किन भगवानों की मूर्तियां जो है स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ काली माता है, कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करेंगे कैमरे को जूम करके काली माई का जो है मूर्ति को दिखाएं दर्शकों को। और आगे बढ़ते हैं, आगे भी कई ऐसी जगह हैं और मंदिर दिख रही हैं, छोटी छोटी मंदिरें हैं जहाँ भी भगवानों का स्थापना कराई गई होगी। चलिए आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं पंचमुखी बजरंग बली। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कैमरे को जूम करके और दर्शकों को दिखाएं, ये पंचमुखी बजरंग बली है। और आगे बढ़ते हैं, आगे जो है यहाँ भी देखिए आप देख सकते हैं बजरंग बली की मूर्ति दिख रही है, चरण पादुका। यहाँ पे चरण पाद कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करें चरण पादुका की ओर कैमरे को घुमाएं और दर्शकों को दिखाएं यहाँ चरण पादुका कितनी बेहतरीन ढंग से। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए कई ऐसी मूर्तियां हैं जो यहाँ विराजमान हैं जहाँ लगातार पूजा अर्चना किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इधर भी देखिए पंचमुखी शिवलिंग, क्या पंचमुखी शिवलिंग है। यहाँ कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करेंगे पंचमुखी शिवलिंग की कैमरे को घुमाते हुए लोगों को दिखाएं कितना सुंदर पंचमुखी शिवलिंग ये रेहदा मंदिर में स्थापित कराई गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे मंदिर और दिख रही है, आइए हम इधर देखते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है गणेश जी और कार्तिकेय जी की मूर्ति है। आइए हम कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि कैमरे को गणेश जी और कार्तिकेय जी को के तरफ कैमरे को घुमाएं और जूम करके दर्शकों को दिखाएं। ये सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत रजदाह ग्राम पंचायत के रेहदा शिव मंदिर का दृश्य था, जो दृश्य देखने में मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा दृश्य है। लोगों द्वारा बताया गया कि ये बहुत प्राचीन बहुत पुरानी मंदिर है और यहाँ के जो शिवलिंग है उनकी महिमा अपार है। लोग जो अपनी मन्नतें मानते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बसंत पंचमी पर यहाँ 15-20 दिन का जो है मेला लगता है और यहाँ लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है। कैमरामैन कंचन द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, टुडे 24 न्यूज।